तो आज की ये वीडियो होगी बेसिकली पेट्रोलियम जियो साइंसेज, पेट्रोलियम जियो फिज़िक्स और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के ऊपर, क्योंकि स्टावंगर नॉर्वे का ऑयल कैपिटल भी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्रीज़ हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ पर मास्टर्स करने भी आते हैं इन्हीं फील्ड्स में। तो क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता तो मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, और यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी भाई हैं जिनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है और जो यहाँ पर अभी मास्टर्स कर रहे हैं, तो अभी हम उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसी है ये फील्ड, इसमें कैसे एडमिशन मिल सकता है और क्या स्कोप है इसका फ्यूचर में। तो चले चलते हैं उनके पास और आपके सवालों के जवाब लेते हैं उनसे। वालेकुम अस्सलाम भाई, अलहमदुलिल्लाह। अहमद भाई आप कैसे हैं? भाई ठीक ठाक, किधर आज इतने से बात? तो बेसिकली सीन ये कि आज हम वीडियो बनाने हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के सवाल आ रहे थे कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल, बता रहे तुमने मुझे, लेकिन आज लेट क्यों आए हो मेरे पास? बस यार आपको पता है टाइम लग जाता है इस काम में। वालेकुम अस्सलाम, अलहमदुलिल्लाह, आप कैसे हो? वीडियो बना रहे हो? जी जी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा बेसिकली वीडियो ये है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के ऊपर, क्योंकि आप भी सेम फील्ड से हो, तो जरा आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपना बैकग्राउंड वगैरह। मैं जियोफिजिक्स बैकग्राउंड है, मैं बैचलर्स फ्रॉम बहरीन यूनिवर्सिटी कराची, वहाँ से मैंने बैचलर्स किया है 4 साल का जियोफिजिक्स में, देन आई वेंट टू चाइना फॉर सेम डिग्री फॉर पेट्रोलियम, आई गॉट स्कॉलरशिप देयर, लेकिन वहाँ से फिर थोड़ा सा लैंग्वेज इशू था, मसले मसाइल थे, तो वहाँ से मुझे नॉर्वे में अपॉर्चुनिटी मिली, मैं नॉर्वे में आ गया। तो आपका कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है? इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है मेरा, इफ दैट काउंट्स, आई एम नॉट श्योर इफ दैट काउंट्स, लेकिन जस्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, अदरवाइज मेरा आई एम जस्ट अ स्टूडेंट फॉर नाउ। चलिए सही होगा, बेहतर है। तो अच्छा तो यार पहले ये बताओ चाय पियोगे? जी व्हाई नॉट, चाय पियोगे, चाय बनाते हैं, सवाल तो दे रहे हैं। चलिए ठीक हो गया। अच्छा चाय बनाते बनाते ये बता दें अपने बारे में थोड़ा सा, बैकग्राउंड अपना बता दें जरा। तो वकाल मैंने बैचलर्स किया था कादियाद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 2014 में, ठीक है। उसके बाद मुझे मेरी बीजीपी एक चाइनीज कंपनी है जी, जी। वहाँ मेरी जॉब होगी अराउंड 2014 में, और अराउंड 1 ईयर मैंने वहाँ काम किया, और उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL में मेरी 2016 में जॉब हुई, एंड आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 3 ईयर्स आई ऑप्टेड टू कम हियर टू डू मास्टर्स, और लेकिन मैंने अभी तक यानी PPL छोड़ी नहीं, आई एम स्टिल एम्प्लॉय देयर, बट आई केम हियर ऑन अ स्टडी लीव। अच्छा चलो जब तक चाय पी रहे हैं आप बताओ कि आपको नॉर्वे कैसा लगा एज अ कंट्री? नॉर्वे बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत ज़बरदस्त, यहाँ अगर आए हैं तो आपको पता लग जाएगा, स्कैंडी कंट्रीज़ में ही आता है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू लिव अराउंड द वर्ल्ड। और अगर देखा जाए स्टावंगर, इसका एक कोस्टल एरिया है साउथ ऑफ नॉर्वे में, ये जगह आती है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ बस थोड़ा मौसम का है, खैर यहाँ भी देख लो हर वक्त बारिश और यह होता रहता है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है और मज़ा आता है यहाँ रहने का, इट्स गुड। लेकिन नॉर्वे का एक चीज़ है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू लिव हियर, यहाँ जो रहता है शायद आपने पहले भी बच्चों को बताया, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और महीने का आपका पाकिस्तानी आई थिंक 1.5 लाख लग जाते हैं एक बंदे के, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव हियर इफ़ यू आर कमिंग हियर, तो रहने पैसों का। क्या करने आए हैं यार? बेसिकली आपको पता है समर है, और समर में हमें कुछ जॉब वगैरह करनी होती है, तो एक प्रोफेसर से हमने रब्ता किया एंड शी गेव अस अ प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन, और उस पर हम समर में आते हैं संडे सैटरडे मंडे, जब भी हमें टाइम मिले तो हम आते हैं और यहाँ इस पर काम करते हैं, तो एक अच्छा चीज़ है, टाइम भी हमारा समर भी गुजर रहा है और प्रोफेसर के साथ लर्निंग भी हो रही है, बस इसीलिए आए हैं। और अच्छा कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, अच्छा उमर अगर बात करें पाकिस्तान में, सबसे पहले शुरू करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो ये कोर्स करवाती हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ के कोर्स? पाकिस्तान में वकार ये है कि पाकिस्तान में ये बड़ी एक अंडररेटेड किस्म की फील्ड है, लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बहुत कम है, मतलब अगर मैं नाम लूँ गिनी चुनी 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वेल नाउन है, उनमें सबसे अच्छी कायदे आज़म है बहरीन यूनिवर्सिटी है,
ये गिन चुन के 4 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें ये कोर्सेज होते हैं। तो ये लेकिन एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जियोलॉजी और जियोफिजिक्स के लिए कायदे आज़म और बैरी यूनिवर्सिटी, और अगर आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करनी है तो एक तो यूईटी लाहौर से इंजीनियरिंग अच्छी होती है, और एक एनईटी कराची, जो मुझे पता है कि यहाँ से, इससे और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी है लेकिन ये काफ़ी रनाउंड है अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है। मैं एक और नाम ऐड कर दूँ बच्चों के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी की जियोलॉजी पाकिस्तान की सबसे अच्छी जियोलॉजी कंसिडर की जाती है, वो भी जियोलॉजी की फील्ड में बहुत आगे है, वो भी सही हो गया। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के बाद अगर बात करें, जब बैचलर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या आप प्रेफर करेंगे, कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेना चाहिए या डायरेक्ट मास्टर्स की तरफ आना चाहिए? पहले अगर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले तो यही कोशिश होनी चाहिए हर बंदे की कि जैसे उसका बैचलर्स कंप्लीट हो तो ही शुड अप्लाई फॉर अ जॉब। लेकिन आजकल मार्केट बड़ी सैचुरेट है, आपको भी पता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, तो अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो टाइम ज़ाया ना करें, आप बाहर मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, नॉर्वे, US, UK, जहाँ भी आपको मास्टर्स करता है आप अप्लाई करें। लेकिन आप ये भी चीज़ याद रखें कि मास्टर्स के बाद भी यू आर नॉट गारंटीड टू गेट अ जॉब, तो आप अपने ऑप्शन सारे खुले रखें। चलें जॉब के ऊपर बाद में आते हैं, पहले अगर हम बात करते हैं, अब अगर हम कि आपने स्टोंगर ही क्यों चूज़ किया, और भी शायद यूनिवर्सिटीज़ होंगी डिफरेंट कंट्रीज़ में, आप स्टोंगर क्यों चूज़ किया आपने? तो बेसिकली स्टोंगर आने की 2-3 रीज़न्स थी, एक तो ये कि जहाँ मैं काम करता हूँ PPL में, पाकिस्तान पेट्रोलियम में, तो वहाँ से 2-3 ग्रेजुएट्स पहले ही मेरे सीनियर इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ चुके थे, एंड दे टोल्ड मी इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, यहाँ काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। और दूसरा ये कि इफ़ गाइज डोंट नो कि स्टोंगर हैज़ अराउंड 50 ऑयल एंड गैस इंटरनेशनल कंपनीज़, तो काफ़ी यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। हमारे टीचर्स एक तो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कुछ हमारे इंडस्ट्री से आते हैं, वो हमें लेक्चर्स देते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, तो जो काम मैं पाकिस्तान में PPL में बैठ के करता था वही चीज़ें हमें यहाँ प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को दिखाई जा रही हैं, कराई जा रही हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। इवन काफ़ी चीज़ें मुझे लर्निंग को मिली हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। दूसरा ये है कि इफ़ यू फाइंड स्टोंगर, तो एक तो आपका एक्सपोजर काफ़ी अच्छा हो रहा है, और आपको वही बात है कि जॉब के आपको काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें आपको कहीं भी यानी कि प्रेफर करती हैं यूनिवर्सिटीज़ कंपनी सॉरी के इस यूनिवर्सिटी से आप करें तो आपको मिल जाएगी जॉब। ठीक है, तो उम्र, जैसे कि मुझे आपको पता है आपने चाइना में मास्टर कंटिन्यू किया था और उसके बाद आप यहाँ पर आ गए थे, तो उसकी क्या रीज़न थी, आपने चाइना में क्यों नहीं कंटिन्यू किया मास्टर? चाइना में कंटिन्यू ना करने की रीज़न ये है कि लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर इन टर्म्स ऑफ मतलब आप नॉर्मल लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश चलती है लेकिन आपका स्टिल कहीं ना कहीं बैरियर आ जाता है, वो लोग इंग्लिश अच्छी नहीं बोलते, सबको पता चाइनीज़ का। सेकंड थिंग ये कि यूरोप, सबको पता है यूरोप का एजुकेशन लेवल चाइना से बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव है, ऑल ऑफ दैट, लेकिन स्टिल यूरोप चाइना से तो बेहतर है। तो दूसरी बात जो है मैंने की, मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा, स्टोंगर जो है वो इसको कहते हैं, अगर आप बच्चे गूगल करें तो इसको ऑयल कैपिटल कहते हैं यूरोप का, हब है ये स्टोंगर, यहाँ पे सारी इंटरनेशनल कंपनीज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम यूरोप की, मिडिल ईस्ट की नहीं है, यूरोप की सारी हैं। तो जो मुझे पता था, आइडिया था, मैंने ये सुना हुआ था, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, सो यू हैव लॉट ऑफ चांसेस टू गेट जॉब टू गेट एट, बट आजकल की सिचुएशन के हिसाब से कुछ कहा नहीं जा सकता है, कोरोना सिचुएशन है, प्लस इंडस्ट्री का हालात सही नहीं है। तो अच्छा, तो अगर अब नॉर्वे में बात पे आते हैं, पहले इसकी बात करते हैं कि इसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है इस फील्ड का, क्या इसकी ग्रेजुएशन के बाद इजीली जॉब अवेलेबल है? इफ़ आई टेल यू द ट्रुथ, तो पाकिस्तान में इतना अच्छा आजकल स्कोप नहीं है, उम्र को भी पता है, तो जॉब्स आपको बिल्कुल नहीं मिली, मेरी जिस तरह अपनी क्लास में अराउंड 30 स्टूडेंट्स है तो ज़्यादातर लोगों को जॉब नहीं मिली, तो आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन के अभी आए और इस फील्ड में आए, क्योंकि आपको पता है सारी दुनिया रिन्यूएबल की तरफ जा रही है, इवन पाकिस्तान में भी अभी इस तरह स्कोप नहीं रहा। पाकिस्तान में मसला ये दूसरा ही है कि 3-4 अच्छी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ आपको जॉब मिलती है, और वहाँ भी अगर आपको ना मिले तो बड़ा मसला हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस, प्लीज़ लाइक कंसिडर इट अगेन, इट्स नॉट अ वेरी, इट्स अ ट्रिकी थिंग टू डू। मेरा तो ये, यहाँ पर अगर आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करते चले, आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब कैसे मिली थी? मुझे 2016 में PPL ने ऑल ओवर द पाकिस्तान जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और बाकी सारे इंजीनियरिंग्स के लिए उनको ट्रेनिंग्स चाहिए थे, तो उन्होंने टेस्ट किए और एक कौन सा GAT बेस्ड टेस्ट हुआ था, तो उसकी बेसिस पे जियोफिजिक्स में आई गॉट द टॉप पोजीशन, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो इन 2016 आई डिड देन 2 ईयर ऑफ माई ट्रेनिंग इन PPL, और उसके बाद आई गॉट परमानेंट देयर, तो मेरी तो जॉब इस तरह हुई। लेकिन बहुत कम ऐसे होता है कि PPL हर साल ट्रेनिंग नहीं रखती, इसी तरह OGDC या MRE कंपनी है वो हर साल ट्रेनिंग नहीं रखती, तो आपको बहुत कम मौके मिलेंगे यहाँ इस इंडस्ट्री में आने के लिए। ठीक है, तो अगर हम सैलरी की बात करें, इफ़ यू आर कम्फर्टेबल विद इट, तो आपको PPL में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितनी मिल रही थी आपको अभी?
मेरी सैलरी अच्छी थी, आई वॉज हैप्पी विद इट। अगर आप इस इंडस्ट्री में आ जाएँ तो आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है, अराउंड 6 digits तो आपको इजीली आपको मिल जाती है, विच इज़ वेरी गुड। पाकिस्तान में बाकी इतनी शायद ना मिलती हो, लेकिन इंडस्ट्री में सैलरी अच्छी है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर अब हम आते हैं नॉर्वे में स्टडीज़ के ऊपर, इसमें तो क्या स्टडीज़ इतनी फ्लेक्सिबल हैं कि आप इसके साथ जॉब कर सकते हैं इजीली, कोई पार्ट टाइम? पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉर्वे में बड़ा ज़्यादा आपको चांसेस मिलेंगे पार्ट टाइम जॉब करने के, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन यह है कि पार्ट टाइम जॉब से अच्छा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने टीचर्स को कॉन्टेक्ट करें, उनके साथ आप जॉब करने की कोशिश करें। जैसे मैं और उमर अभी एक प्रोफेसर के साथ अपने अटैच हैं, और वो हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल रहा है और जॉब भी एक तरह की हो रही है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में कोई जॉब करें एज़ कम्पेयर टू लुकिंग फॉर जॉब एट होटल्स और रेस्टोरेंट्स और एनी अदर थिंग। अच्छा, अगर उमर आपकी बात करें तो आपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब क्यों नहीं की और डायरेक्ट मास्टर्स के लिए क्यों आप आ गए? ये अच्छा सवाल है, हर कोई यही करता है। इसमें यह है कि क्योंकि मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मैं 2018 में पास आउट हुआ था। तो कंपनीज़ का ये होता है कि कंपनीज़ जैसे मैंने बोला हर साल कंडक्ट करती हैं टेस्ट वगैरह, लेकिन सारी कंपनीज़ नहीं करती हैं, जस्ट 2 or 3 गवर्नमेंट कंपनीज़ आपको करती हैं। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो हायरिंग करती हैं 1 से 2 लोगों की। तो आपकी क्लास में जो टॉपर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 3.9 जीपीए में मेरा टॉपर था मेरी क्लास का, उसकी जॉब हो गई है। तो ओनली 2 बॉयज़ गॉट जॉब इन माई क्लास। सो इट डिपेंड्स के आपका इंडस्ट्री के हालात कैसे हैं, प्लस ये कि कंपनीज प्रेफर करती हैं या तो आप टॉपर हों या आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो, एटलीस्ट कंपनीज प्रेफर करती हैं। और जैसे मैंने बोला कि मास्टर्स तभी मैं यहाँ पे मास्टर्स इसीलिए करने हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जॉब नहीं मिली। लेकिन अब चांसेस हैं कि होपफुली कि मास्टर्स की डिग्री है प्लस बाहर की डिग्री है, तो होपफुली एक गुड कम्बिनेशन बन जाए। लेकिन हालात इतने को खास अच्छे नहीं है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, तो अगर हम बात करें नॉर्वे में यूनिवर्सिटी ऑफ सोंगर के अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये कोर्स ऑफर होते हैं? नॉर्वे में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो काफ़ी वेल रिनाउंड है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावंगर, NTNU जो कि ट्रॉन्डहाइम में, और यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, इनकी डिग्री को काफ़ी वो दी जाती है। लेकिन अगर आपने थोड़ी रिसर्च वर्क करना है तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गेन है, तो वो भी काफ़ी फेमस है। स्टावंगर की अच्छी बात यह है कि जैसे आपको पहले बताया इसका लिंक है बाकी इंडस्ट्री से, तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छी है। और यूनिवर्सिटी NTNU जो ट्रॉन्डहाइम में है, उसका जो मुझे पता लगा है, जो मेरे टीचर्स ने बताया कि वो बेसिकली अगर आप जियोफिजिसिस्ट हैं और जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं जियोफिजिक्स, उनको पता होगा कि प्रोसेसिंग साइट पे उनकी काफ़ी प्रोसेसिंग और इन्वर्जन, तो अगर आपका उस साइट पे है तो ट्रॉन्डहाइम काफ़ी अच्छी है। और अगर आपको जियोलॉजी में ज़्यादा शौक है, जनरल जियोलॉजी, प्रैक्टिकल जियोलॉजी, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में जाना चाहिए। तो ये तो होगी यूनिवर्सिटीज़ की बात। अब जो बच्चे आना चाह रहे हैं यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए, उनके लिए क्या ज़रूरी है कि उनके पास एक्सपीरियंस हो तब उनका एडमिशन मिलेगा, या विदाउट एक्सपीरियंस भी एडमिशन मिलना? नहीं, जैसे मैंने अभी बोला मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ 2018 में, फिर मैं चाइना चला, तो मेरे पास आई हैव 0 एक्सपीरियंस। मास्टर्स डिग्री के लिए आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। PhD के लिए भी थोड़ा बहुत होता है, वो प्लस पॉइंट है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास हो तो प्लस पॉइंट है, ना हो तो कोई इट्स ओके। मैं 0 एक्सपीरियंस के साथ हूँ, मेरा एडमिशन हुआ, फर्स्ट गो में एडमिशन हो गया। तो स्टडीज़ के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता, जॉब के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। लेकिन एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में ये यूनिवर्सिटीज़ आपका GPA देखती हैं। अगर आपका GPA अच्छा नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और अगर आप मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी स्टावंगर और NTNU में, वो आपके मैथ्स के कोर्सेज भी कुछ देखती हैं कि अगर आपके मैथ्स के कोर्सेज, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला वो जियोलॉजी में, इसी वजह से कि उनके मैथ्स के कोर्सेज पूरे नहीं है। तो आप, मैंने इफ़ यू आर अप्लाइंग टू, यू शुड नो कि आपके मैथ्स के कोर्सेज पूरे होने चाहिए। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन यू मसला होता है ये। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करते हैं नॉर्वे के अलावा कौन सी कंट्रीज है जहाँ पर इस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज का स्कोप ज़्यादा है? स्कोप अगर आपने जॉब करनी है तो स्कोप आपको US में है, आपको पता है मिडल ईस्ट में, गल्फ एरियाज में काफ़ी स्कोप है, तो इवन यूरोप में भी, इंग्लैंड में आपको हो जाएगा। लेकिन जॉब आपको पाकिस्तान से बैचलर्स करके इन कंट्रीज़ में नहीं मिलेगी, आपको या तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस चाहिए या आपको बाहर का मास्टर्स चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करें और शायद आपको जॉब मिले, जो हो सकता है लेकिन बहुत रेयर है। ये तो जॉब के मामले में कह रहे हैं, लेकिन अगर स्टडीज़ की बात करें, स्टडीज़ को अगर आपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा तो स्टडीज़ के लिए नॉर्वे बहुत अच्छा है हमारी फील्ड में। मिडिल ईस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मिडिल ईस्ट की यूनिवर्सिटीज़ को इतनी अच्छी नहीं है, प्लस वहाँ पे एडमिशन भी बहुत रेयर होते हैं। तो उसके अलावा आप देखे जाए तो लंदन की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट जिसमें इस चीज़ का डिग्री बहुत अच्छी है। इंपीरियल कॉलेज लंदन है, वहाँ काफ़ी हमारे पढ़ने जाने वाले, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास वगैरह हैं। तो ये बेसिकली दो ही हैं जहाँ पे इनका स्कोप है। बाकी यूरोप में जो डीप यूरोप है, फ्रांस, इटली वगैरह, वहाँ पे इसको इतना
इतना कोई अच्छा डिग्री नहीं कंसिडर की जाती, वहाँ पर इसका कोई स्कोप नहीं, कोई स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटीज नहीं है इसके लिए। लेकिन लंदन में और नॉर्वे में और अमेरिका में कोई स्पेसिफाइड डिग्रीज हैं इसके लिए, मतलब प्रॉपर एक चीज़ है, सर्टिफाइड डिग्रीज हैं। यूएस की यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी अच्छा कहा जाता है, या टेक्सास वगैरह, ठीक है। अच्छा, अगर हम करंट सिचुएशन को लेकर चलें, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से ऑयल की प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई थी, तो क्या ख्याल है आपका, इसके बाद जॉब मार्केट अच्छी होगी या बुरी होगी? जॉब मार्केट अच्छी नहीं है और कभी शायद आगे अच्छी ना हो, बिल्कुल मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, पहले भी आपको बताया। तो अभी भी जिसको जॉब मिल गई यही फीस लगी, और जिसको जॉब नहीं मिली उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है जॉब देखने के लिए, और फिर भी शायद जॉब नहीं मिल रही, तो जॉब मिलना आसान नहीं है इसका गैस में। इसका बैकग्राउंड बच्चों को थोड़ा इस तरह बता दें, क्योंकि सबको पता है कि ये गोरे जो हैं ये ग्रीन एनर्जी की तरह शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो स्पेशली नॉर्वे तो इस चीज़ में फेमस है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑयल कंजप्शन को कम करते जा रहे हैं। इवन के ये यूरोप का कुछ दूसरा ही तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर ऑयल का, मतलब खुद यूज़ नहीं करते, सारा ऑयल बाहर भेजते हैं। क्यों? ये ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। जब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो आपको इस फील्ड की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोलियम फील्ड के से निकल रहे हैं, तो पेट्रोलियम फील्ड से जब निकल रहे हैं कंपनीज ऑलमोस्ट चली गई हैं यहाँ से, थोड़ी कंपनीज ने अपनी एम्प्लॉयज़ कम कर दी हैं, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो जब जॉब नहीं है तो स्टडी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, यूनिवर्सिटीज भी ऐसा ऐसा। अब इस दफ़ा अगर आपको आइडिया हो, 3 से 4 लोगों ने एडमिशन लिया हमारी फील्ड में टोटल, इंक्लूडिंग नॉर्वेजियन, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल्स, 3 से 4 लोगों का, मतलब इसमें लोग कम आना शुरू हो गए। और ये मेरे ख्याल से जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये एक एडवाइस है, क्योंकि दुनिया शिफ्ट हो रही है, आपको उस हिसाब से जियो पॉलिटिकल चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। जी जी, इंडस्ट्री चेंज हो रही है, आप भी उस तरफ जाएं ग्रीन एनर्जी की तरफ। ठीक है, इसमें आपको शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल उमर सही कह रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही आप इस फील्ड से हो जाए। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप अपनी क्लास के टॉपर्स होंगे, अगर आपके अच्छे होगा तो आपको बिल्कुल अच्छे चांस हैं आपको जॉब के, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जॉब्स का वो नहीं रहा कि जो आज से 10 साल पहले आपको मिल जाते इजीली नहीं। लेकिन अगर मिल जाए तो जिस अभी भी हमारे श्रावणगढ़ में जो हमारे सीनियर्स थे, उनकी जिन्होंने जो ग्रेजुएट हुए हैं उनको जॉब्स मिली हैं, काफ़ी बच्चों को ग्रेजुएट को जॉब मिली, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, लेकिन आसान नहीं है मिलना। अगेन एट द एंड ऑफ द डे ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक, वो तो सबको पता है। जी, अच्छा, तो जैसे उमर आपने अभी मेंशन किया कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है और इसमें जॉब इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो जो बच्चे ऑलरेडी इसमें अब बैचलर्स कर रहे हैं और डेफिनेटली 2-3 साल उनको हो चुके हैं और अब वो नहीं शिफ्ट कर सकते अपना बैचलर्स, या वो नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि वो कैसे इसको कंटिन्यू करें ताकि उनको जॉब मिल सके? यू मीन बाय मी, बिकॉज आई एम इन द सेम सिचुएशन, आई कैन नॉट इवन चेंज। हाउ यू आर प्लानिंग टू कंटिन्यू विद दिस? इसमें देखें ये है कि अपनी डिग्री को डाइवर्स करो, मतलब आपने अपनी पेट्रोलियम में थोड़ा सा कंप्यूटर के कोर्सेज ऐड करो, थोड़ा कंप्यूटर को टच दो, क्योंकि नॉर्वे में फ्यूचर जो है, पूरी दुनिया में जो फ्यूचर है कंप्यूटर का फ्यूचर, आपको ज़्यादा पता होगा इस फील्ड में। जी, तो अगर आप अपनी फील्ड में पेट्रोलियम में थोड़ा सा कंप्यूटर टच दे सकते हो, थोड़ा सा भी या ज़्यादा ज़्यादा जितना दे सको, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अदरवाइज जस्ट पेट्रोलियम की डिग्री लेके आप मार्केट में जाओगे तो देर आर लेस चांसेस के यू विल गेट जॉब, बिकॉज इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी प्लस कंप्यूटर। अच्छा, ये तो बात होगी सारी करंट सिचुएशन को लेकर और एकेडमिक्स को लेकर, अब आप बच्चों को फाइनल एडवाइस क्या करना चाहेंगे बीइंग अ प्रोफेशनल, क्योंकि आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे बच्चों को? यही है कि अगर आपने बैचलर्स कर लिया जियोलॉजी में, जियो फिजिक्स में, या अगर आपने इंजीनियरिंग की है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, तो यू शुड नो कि आपने कहाँ अप्लाई करना है, पाकिस्तान में कौन सी कंपनीज हैं। जिस तरह के आई वुड सजेस्ट कि आप OGDC में अप्लाई करें, इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है, मारी गैस में अप्लाई करें, उनका इस्लामाबाद में ऑफिस है, मेरी कंपनी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड उसमें अप्लाई करें। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कब अपनी ट्रेनिंग की वैकेंसीज ला रही है। इसी तरह और काफ़ी, ये तो आपकी नेशनल कंपनीज होगी, इस तरह इंटरनेशनल कंपनीज का पाकिस्तान में कुछ काम कर रही हैं, जिस तरह ENII इटालियन कंपनी है, UEP एक चाइनीज़ कंपनी है, काफ़ी अच्छी पैकेजेस देती है, और Schlumberger, Weatherford ये भी हैं कंपनीज जिनमें आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन यू नो, यू शुड नो कि व्हेन टू अप्लाई व्हेन और कब करना है। और अगर आपका जॉब नहीं मिल रही तो आप घर ना बैठे, यू शुड एटलीस्ट यू नो हैव अ बैकअप प्लान कि आपने मास्टर्स करना है या आपने अपनी फील्ड बदलनी है। आप अपना लोग क्या करते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल बस इसी में बैठे रहते हैं, अपना टाइम ज़ाया कर लेते हैं, तो टाइम ना ज़ाया करें, आप इधर लुक फॉर अ मास्टर्स और अ जॉब और चेंज योर फील्ड, जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। तो मैं तो यही कहूँगा, By changing the field, you mean कि अपनी डिग्री चेंज करें या कोई एडिशनल कोर्सेज? Yes, अगर आपको जॉब नहीं मिली तो यू शुड लुक फॉर टू चेंज योर डिग्री। ओके, एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या बच्चों को कहना चाहिए? मैं बच्चों को ये इसमें ये कहूँगा कि
जैसे आप ग्रेजुएट होते हैं तो ट्राई टू लुक फॉर सम इंटर्नशिप। पाकिस्तान में इंटर्नशिप इतनी मुश्किल नहीं है, मिल जाती है। आपका ज़रा सा भी रेफरेंस आई, आप थोड़े से भी अच्छे हो क्लास में, आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। इंटर्नशिप से ये होगा कि जॉब के लिए इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी लर्निंग होगी। एग्जैक्ट जैसे मुझे इंटर्नशिप मिल गई तो जो मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट बना, जो ठीक है। स्कॉलरशिप में और एडमिशन में। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा शायद लोगों को लगे नेगेटिव लगे, लेकिन मैं इसमें ये बोलूँगा कि ऑप्शंस खुले रखें। माना कि पेट्रोलियम में पैसे बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स हैं, ये सब कुछ जॉब्स नहीं है लेकिन सैलरीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंप्यूटर की तरफ आए, फ्यूचर कंप्यूटर गया। ठीक है। इवन इवन इफ कि आप जियोलॉजी में आ चुके हैं या आपने मास्टर्स बैचलर्स कर लिया, लेकिन अब मास्टर्स का टाइम आ गया, ट्राई टू गो फॉर अ डिग्री विच हैज़ बोथ कंप्यूटर प्लस योर पेट्रोलियम, या जस्ट गो फॉर कंप्यूटर। अगर आपने कंप्यूटर में कर लिया तो आप में आपकी नॉर्वे में और इवन के यूरोप में जॉब ईजी है। अपनी फील्ड में फ्रेश ग्रेजुएट हूँ मैं, इस चीज़ को बड़ा फील करता हूँ कि मुझे कोडिंग नहीं आती, मशीन लर्निंग हमें नहीं सिखाई जाती, जो बड़ा के नेगेटिव पॉइंट है फॉर मी। ओके। अगर वो मुझे आती होती तो मेरा प्लस पॉइंट था। तो उसमें बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि कंप्यूटर की तरफ आएँ, कोडिंग सीखें, पाकिस्तान में नहीं सिखाई जाती, खुद सीखें, कुछ ना कुछ वहाँ से सीखें, आपको यहाँ पर बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट, हमारा पेट्रोलियम की फील्ड, हमें भी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो कोडिंग से रिलेटेड है, डाटा साइंस से रिलेटेड है, तो ऑप्शन खुले रखें। अच्छा, तो उमर जैसे अगर हम पार्ट टाइम जॉब की बात करें, जैसे हम आईटी फील्ड से हैं तो हमें पता है कि ड्यूरिंग वर्क भी हमें किसी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब के चांसेस होते हैं, दो इट इज़ नॉट गारंटेड, बट देर आर चांसेस कि हमें ड्यूरिंग मास्टर्स भी पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। जैसे अभी अहमद ने मैंशन किया कि नॉर्वे में 53 ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं, तो क्या चांसेज है कि ड्यूरिंग स्टडीज़ आप पार्ट टाइम जॉब किसी कंपनी में कर सको? नहीं वगैरह, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, सॉरी, उसमें यही फ़र्क है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है ना, बहुत बहुत बड़ी एक जॉइंट किस्म की ना इंडस्ट्री है। इसमें दे हैव इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू समथिंग एंड दे कैन नॉट लेट स्टूडेंट टू कम इन एंड जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑल फॉर देम। नो, दे नीड एक्सपर्ट्स, एज यू नो, स्टूडेंट एक्सपर्ट नहीं होता, स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है विदाउट एक्सपीरियंस। सो नहीं, पार्ट टाइम जॉब तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें यह है कि आपको इंटर्नशिप्स मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी इंटर्नशिप्स ऑफर आती हैं, एंड दे आर एज गुड एज, आई वुड से मोर बेटर बेटर देन पार्ट टाइम जॉब, बिकॉज दे पे अलॉट फॉर देर इंटर्नशिप। सो येस, देर इज नो पार्ट टाइम जॉब, बट देर आर इंटर्नशिप्स यू कैन अप्लाई, बट दे डोंट पे एज गुड इन पाकिस्तान, ओनली इन नॉर्वे। इन नॉर्वे दे पे अलॉट फॉर जस्ट फॉर इंटर्नशिप्स। अच्छा, तो अहमद अभी आपने बताया था कि आप स्टडी लीव पर नॉर्वे आए हैं, तो स्टडी लीव कंप्लीट करने के बाद, अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपके क्या प्लान है? आप वापस जाकर पीपीएल ज्वाइन करेंगे या नॉर्वे में कोई जॉब फाइंड करेंगे? वकार, तो मैंने स्टडी लीव इसीलिए ली थी कि आई एम प्लानिंग टू गो बैक एंड इन 2021 नेक्स्ट ईयर टू पाकिस्तान एंड रिज्यूम माई वर्क देयर। तो बेसिकली मैं यही सजेस्ट करूँगा, इफ एनी बॉडी इज़ वर्किंग इन द इंडस्ट्री एंड दे वॉन्ट टू डू मास्टर्स, तो वो अपनी जॉब ना छोड़ें, वो अपनी कंपनी से कहें कि वी वॉन्ट टू डू मास्टर्स, एंड इफ़ द कंपनी अलाउज एंड इफ द कंपनी गिव्स यू अ स्टडी लीव, तब वो वहाँ आए। तो आई वॉज़ वेरी ग्रेटफुल कि PPL ने मुझे, मेरी कंपनी ने मुझे 2 ईयर की स्टडी लीव दे दी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी स्टडी लीव पाएँ, क्योंकि अगर आप यहाँ मास्टर्स करने आते हैं तो इट्स देर इज़ नॉट अ गारंटी कि यू विल गेट अनदर जॉब हियर। यस, टोटली। तो यू शुड ऑल्सो हैव ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। तो आई एम प्लानिंग टू गो बैक एंड वर्क देयर। अच्छा, तो अभी आप मास्टर्स नॉर्वे से करके जा रहे हैं, तो क्या आप उसका, आपको उसका कोई बेनिफिट होगा? आपको लाइक सैलरी इंक्रीमेंट या कोई प्रमोशन टाइप होगी आपकी कोई कंपनी में? आई होप सो, मिल जाए तो अच्छा है। यस, इसलिए तो आए, इसका यही मकसद। अच्छा, तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने हमें इतना टाइम दिया, आप अपना काम भी करने आए थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, थैंक यू सो मच। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों से ले सकता था आप लोगों के लिए, मैंने कोशिश की है उतनी इन्फॉर्मेशन लूँ, लेकिन अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप, मैं इनके कॉन्टैक्ट मैंशन कर देता हूँ, आप इनको डायरेक्ट अप्रोच करके आप इनसे पूछ सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डिड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।